मैं हूं आपके साथ रोहित बुरेठा और इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रोहित शर्मा इन दिनों जबरदस्त कमाल कर रहे हैं और जब से वो ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर टेस्ट सीरीज में उतरे हैं तब से तो समझ लीजिए कि बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है रोहित शर्मा का। और ये जो सीरीज इस वक्त चल रही है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच, ये सपनों सरीखी साबित हो रही है सीरीज रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि मैच दर मैच इस सीरीज में रोहित शर्मा रिकॉर्ड अपने नाम करते जा रहे हैं। अब एक और नया रिकॉर्ड दर्ज हो गया है रोहित शर्मा के नाम पर इसी सीरीज में। तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है रांची में, इस टेस्ट मैच में ही रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड अपने नाम किया है और किसी भी टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। अभी भी वो नॉट आउट हैं भारत की पहली पारी में और 4 छक्के वो लगा चुके हैं। और इस पूरी सीरीज में अगर मैं बात करूं अभी तक, क्योंकि इस सीरीज का एक तीसरा टेस्ट मैच है और पहली पारी उसकी चल रही है, तो टोटल अभी तक 17 छक्के लगा चुके हैं रोहित शर्मा। और इस तरीके से रोहित शर्मा ने वेस्ट इंडीज के शिमरॉन हेटमायर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हेटमायर के नाम 15 छक्कों का रिकॉर्ड था जो कि उन्होंने साल 2018 में बांग्लादेश के अगेंस्ट जो सीरीज खेली गई थी उसमें वो रिकॉर्ड बनाया था हेटमायर ने। और 2 टेस्ट मैच खेले गए थे सीरीज में, इन 2 टेस्ट मैचों में 15 छक्के लगाए थे हेटमायर ने, लेकिन रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वैसे भी रोहित शर्मा जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक के लिए जाने जाते हैं और जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरह से गेंद को वो हिट करते हैं, इसीलिए रोहित शर्मा को क्रिकेट में एक नाम भी दिया गया हिटमैन। और अपने हिटमैन वाली छवि के साथ पूरी तरह से न्याय करते हुए रोहित शर्मा अब टेस्ट मैचों में भी दिख रहे हैं। एक यही एक तरीके से कहेंगे कि एक सवाल था रोहित शर्मा को लेकर कि वनडे में तो वो आउटस्टैंडिंग रहते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी बैट से रहती है, लेकिन टेस्ट मैच में आके कहीं ना कहीं रोहित शर्मा जो है वो थोड़े से डाउन हो जाते हैं, वो अप टू द मार्क जिस तरह की उनकी ख्याति है उस तरह का परफॉर्म रोहित शर्मा नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो टेस्ट सीरीज खेली जा रही है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, इसमें हम एक नया रोहित शर्मा देख रहे हैं टेस्ट मैचों में। खासतौर पर रोहित शर्मा रिकॉर्ड तो लगातार बना ही रहे हैं, साथ ही जो रन अभी तक उन्होंने स्कोर किए हैं इस टेस्ट सीरीज में, इसकी बदौलत अपने टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 2000 रन भी पूरे कर लिए हैं। और इस सीरीज में अब तक रोहित शर्मा 400 रन बना चुके हैं और साथ ही अभी तक 3 सेंचुरीज भी लगा चुके हैं और इसमें से एक डबल सेंचुरी भी शामिल है जो कि उन्होंने पहले ही टेस्ट मैच में, जो कि वाइजैग में विशाखापट्टनम में खेला गया था, उसमें डबल सेंचुरी लगाई थी रोहित शर्मा ने। तो अभी तक 3 सेंचुरीज अपने नाम कर चुके हैं, छक्कों का रिकॉर्ड वो अपने नाम कर चुके हैं रोहित शर्मा, और लगातार जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड द रिकॉर्ड आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं कहूं कि अभी तक मैं बात करूं रोहित शर्मा के लिए इस टेस्ट सीरीज की, तो ये टेस्ट सीरीज तो रोहित शर्मा के लिए एक रिकॉर्ड बुक की तरह साबित हो रही है। कुछ और रिकॉर्ड है जो कि इस टेस्ट सीरीज के दौरान उन्होंने अपने नाम किए हैं रोहित शर्मा ने, वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। रांची में टेस्ट मैच खेला जा रहा है इंडिया और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जो कि इस दौरे का 3रा टेस्ट मैच है और इसमें अपने करियर का 6ठा शतक भी रोहित शर्मा ने पूरा किया, जो रांची में अभी उन्होंने पहली पारी में शतक लगाया है। इसी के साथ ही उनके करियर का 6ठा सेंचुरी भी रोहित शर्मा ने पूरा कर लिया है। इस सीरीज में उनका 3रा शतक है और फर्स्ट टाइम एज एन ओपनर बैट्समैन उनको एक्सपेरिमेंट के तौर पर उतारा गया था। और ये उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह की परफॉर्मेंस रोहित शर्मा वनडे मैचेस में देते हैं एज एन ओपनर, ऐसा ही कुछ धमाका वो टेस्ट क्रिकेट में करेंगे। तो जिस सोच के साथ रोहित शर्मा को उतारा गया था, अभी तक रोहित शर्मा ने बल्ले से अपने कप्तान की उस सोच को जस्टिफाई किया है, अपने कोच की उस सोच को जस्टिफाई किया है, टीम मैनेजमेंट ने जो भरोसा रोहित शर्मा पर एज ए टेस्ट ओपनर दिखाया था, क्योंकि देखिए बहुत आसान नहीं होता है टेस्ट क्रिकेट में ओपन करना, क्योंकि गेंद का भी फर्क होता है। आप जब वनडे मैचेस खेल रहे होते हैं तो उसमें वाइट बॉल से खेलते हैं, टेस्ट मैचेस में रेड बॉल होती है, स्विंग का बड़ा डिफरेंस होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने इन सारी चीज़ों को ओवरकम किया है और लगातार वो शानदार बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि रोहित शर्मा जो है उनके नाम ऑलरेडी एक टेस्ट मैच में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड पहले से ही है, एक मैच में सबसे ज़्यादा छक्के उन्होंने लगाए थे और वो भी इसी सीरीज का टेस्ट मैच था, पहला टेस्ट मैच जो कि विशाखापट्टनम में खेला गया था, उसमें रोहित शर्मा ने 13 छक्के लगाए थे और वसीम अकरम ने के रिकॉर्ड तोड़ा था, क्योंकि वसीम अकरम उससे पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने एक टेस्ट मैच में 12 छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज किया था, उसको तोड़ा रोहित शर्मा ने इस टेस्ट सीरीज में। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीरीज साबित हो रही है और रिकॉर्ड मेकिंग सीरीज भी साबित हो रही है रोहित शर्मा के लिए ये जो सीरीज है अब तक। और साथ ही आपको ये बता दें कि क्रिकेट के जो 3 फॉर्मेट्स हैं उसमें रोहित भारत की ओर से सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के ही नाम है। एक सीरीज में 3 सेंचुरी लगाने वाले वो दूसरे भारतीय ओपनर हैं जिन्होंने एक टेस्ट सीरीज में 3 सेंचुरीज लगाई हूँ। इससे पहले सुनील गावस्कर हैं नंबर 1 पर, जो 3 बार एक सीरीज में 3 या फिर उससे ज़्यादा सेंचुरीज लगाने का जो कारनामा है वो कर चुके हैं।
और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभी रोहित शर्मा ने हिटमायर के रिकॉर्ड को तोड़ा है, लेकिन हिटमायर के अलावा हरभजन सिंह, जी हाँ भज्जी, जिनको डबिनेटर बॉलिंग के लिए जाना जाता था, हरभजन सिंह भी एक पारी एक सीरीज में 14 छक्के लगाने का कारनामा वो कर चुके हैं। उन्होंने 2010 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 14 छक्के लगाए थे। हरभजन सिंह पहले नंबर 2 पर थे, लेकिन अब वो नंबर 3 पर आ गए हैं। नंबर 1 पर रोहित शर्मा है, नंबर 2 पर हिटमायर है और नंबर 3 पर अब हरभजन सिंह है। तो टेस्ट करियर में 2000 रन भी पूरे कर लिए हैं, 400 से ज्यादा भी वो सीरीज में अब तक रोहित शर्मा बना चुके हैं। और साथ ही जो एक भूमिका रोहित शर्मा की देखने को मिली है कि अटैकिंग प्ले भी है, क्योंकि अभी तक जो रन उन्होंने स्कोर किए हैं 117, उसमें 71 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं रोहित शर्मा ने, तो एक स्ट्राइक रेट भी उन्होंने मेंटेन किया हुआ है अपनी बैटिंग का। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले टेस्ट मैच में भी वो संकट मोचक बनकर उभरे थे, बड़ी साझेदारियां रोहित शर्मा ने की थी, और इस टेस्ट मैच में भी अभी तक संकट मोचक की भूमिका में दिखे हैं, क्योंकि एक वक्त था जब विराट कोहली आउट हुए थे तो 39 रन पर 3 विकेट गिर गए थे भारत के, लेकिन रोहित शर्मा ने अचिंक्य रहाणे के साथ अच्छी सारी साझेदारी बिल्डअप की है। अभी तक दोनों के बीच 185 रन की साझेदारी हो चुकी है और उम्मीद कर रहे हैं कि साझेदारी दूसरे दिन और बढ़ेगी। तो बहुत सारी भूमिकाएं इस वक्त रोहित शर्मा की नजर आ रही हैं, हिटमैन की छवि को पूरी तरीके से चरितार्थ करते हुए अभी तक दिखे हैं इस पूरी टेस्ट सीरीज में, एक संकट मोचक की भूमिका में भी दिखे हैं। तो टेस्ट मैचों में मैं कहूंगा कि एक बिल्कुल नया रोहित, एक नया हिटमैन हमें देखने को मिला है, और उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका रहा है इस टेस्ट सीरीज में, ऐसा ही परफॉर्मेंस वो आगे के टेस्ट मैचेस में भी जारी रखेंगे। नमस्कार।